इस विशाल प्रशांत महासागर में ऐसे बहुत से जीव प्रजातियां पाई जाती है जो दुनिया के और किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाती। ये सारी प्रजातियां अपने आप में ही बहुत आकर्षक रंग बिरंगी और अनोखे गुण संपन्न होती है। आज हम लोग एक ऐसे ही अनोखी प्रजाति के बारे में जानने वाले हैं। नाम सनफ्लावर सी स्टार। ये प्रजाति उत्तर प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। ये प्रजाति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टारफिश प्रजातियों में से है, जिसका आर्म स्पैन 3.3 फीट इन डायमीटर है। इसके बॉडी पे 16 से लेकर 24 बाहु रहती है, जिसकी वजह से ये स्टारफिश सनफ्लावर जैसी दिखती है। सनफ्लावर सी स्टार की बॉडी का टेक्सचर वेलवेटी होता है और इस बॉडी के अंदर स्केलेटन जैसा जाल बना होता है। ये विभिन्न रंग के हो सकते हैं, जैसे येलो, पर्पल एंड रेड। सनफ्लावर स्टारफिश बहुत चालाक और कुशल शिकारी होते हैं। ये समुद्र के अंदर 1 मीटर पर मिनट के रफ्तार से मूव कर सकती है। ये प्रजाति समुद्र के अंदर ही शिकार के खोज में एक से दूसरी जगह घूमती रहती है। सी अर्चिन इनका मनपसंद खाना है। इसके अलावा भी ये स्नेल्स, एवलॉन, सी क्यूकम्बर और अदर स्टारफिश को खाकर जिंदा रहती है। सनफ्लावर सी स्टार की नर और मादाएं अलग अलग होती है। ये प्रजाति मई से लेकर जून के महीनों तक ब्रीडिंग करती है। जन्म के बाद ये स्टारफिश जमीन के किनारे 2 से लेकर 10 हफ्तों तक तैरती रहती है। इसको प्लैंक्टोनिक लार्वल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के बाद ये स्टारफिश जुवेनाइल में परिवर्तित होते हैं और समुद्र के बीच में चली जाती है। जुवेनाइल सनफ्लावर स्टारफिश का 5 बाहु रहते हैं। जुवेनाइल फिर धीरे धीरे एक पूर्णांग सनफ्लावर स्टारफिश में रूपांतरित होती है। सनफ्लावर स्टारफिश का लाइफ स्पैन है 3 से लेकर 5 साल। पैसिफिक ओशन में इनके शिकारियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की बड़ी बड़ी मछलियाँ और किंग क्रैब द्वारा इनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है, पर इन सब के बावजूद भी इस महासागर में इनके रहने की जगह की कोई कमी नहीं है, जिस वजह से ये प्रजाति पैसिफिक ओशन में अच्छे से फल फूल रहे हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आगे आप कौन से जानवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक टेक केयर।